टोंक में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुचला। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंसी रोड की ये घटना बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि दिन रात तेज रफ्तार से यहां से ट्रैक्टर गुजरते हैं, शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। तो ये बड़ी खबर, टोंक में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ने 3 मासूम बच्चों को कुचल दिया। तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जिंसी रोड की यह घटना बताई गई। इस घटना के बाद लोगों में अब भारी आक्रोश भी व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि दिन रात तेज रफ्तार से यहां से ट्रैक्टर गुजरते हैं। कई बार शिकायत दी गई, लेकिन बावजूद इसके पुलिस विभाग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। जिंसी रोड की यह घटना बताई जा रही है। टोंक में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 मासूम बच्चों को कुचल दिया और तीनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिंसी रोड की घटना बताई गई। इस घटना के बाद अब लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का आरोप है कि दिन रात तेज रफ्तार से यहां से ट्रैक्टर गुजरते हैं। कई बार पुलिस को इस मामले के बारे में शिकायत भी दी गई, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई तक नहीं की। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जिस तरह से लोगों का आरोप है कि बार बार पुलिस को सूचना दी गई, शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ऐसे में देखिए 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ज्योति, देखिएगा कि जिस तरह के मौके पे लोगों ने कहा था कि 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि उसके अंदर से एक की मौके के ऊपर मौत हुई है, दो को दौरान उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। फिलहाल लोगों की यही नाराजगी है कि तेज रफ्तार, मिट्टी से भरे हुए, बूढ़ा से भरे हुए, बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर इस रोड से लगातार गुजरते हैं। यहीं पे स्कूल पढ़ते हैं, यहीं पे मासूम बच्चे आते हैं और लोग आते हैं। ये भारी लोगों का रहने का एरिया है जिस तरह, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते हैं, भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, उससे लगातार हादसा होता रहता है। और इस बात की शिकायत कई बार पुलिस को की, स्थानीय प्रशासन को की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तेज रफ्तार बूढ़ा मिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर वहां से आता है और 3 मासूम बच्चों को टक्कर मारता है, जिसके अंदर मौके के ऊपर ही ये दुखद हादसा घटित होता है। घटना के बाद भारी संख्या में लोग मौके पर जमा होते हैं। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, क्योंकि घटना के बाद जो ट्रैक्टर चालक था वो ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो जाता है। जी जयदीन, देखिए एक व्यक्ति की पूरी पूंजी उसके बच्चे ही होते हैं, ऐसे में 3 मासूम बच्चों का चले जाना, यानी कि 3 घर उजड़ जाना जैसी बात है। कहीं ना कहीं एक संवेदनाओं से जोड़ के देखा जाए तो एक बड़ा मामला है। 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन कोई बड़ा संज्ञान लेते हुए, कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ज्योति, जिस तरह का हादसा हुआ, सुबह सुबह जिस तरह का हादसा, उसको सुनने के बाद हर कोई सुन रह गया, क्योंकि इसी रोड से कई मासूम बच्चे स्कूल तक जाते हैं, माँ बाप अपने लाडलों को स्कूल भेजते हैं या किसी काम से भेजते हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है, हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे है, 1-2-3 प्राइवेट संस्थान यहाँ पे हैं, स्कूल यहाँ पे हैं। ऐसे में लोगों को अब डर सता रहा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से कैसे भेजें, क्योंकि लगातार जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उसके बाद लोगों में खौफ रहता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों का यही कहना है कि अगर प्रशासन समय रहते इन अवैध बजरी के ट्रैक्टरों पे, मिट्टी भर के लाने वाले ट्रैक्टरों पे, भूटा भर के लाने वाले अवैध ट्रैक्टरों पे कार्रवाई करता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि बीच मोहल्लों से होके ये ट्रैक्टर निकलते हैं और हमेशा हादसे होते रहते हैं। ये नहीं कि पहला हादसा हुआ है, पूर्व में भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये रहा कि आज ये दुखद घटना हुई और मासूमों को अपनी जान गंवाना पड़ी। जयदीन, के मौके पर पुलिस भी दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहा पुलिस ने इस पूरे मामले पर, वो क्या कार्रवाई करेंगे आगे? क्या ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया, उसके चालक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है? देखिए, सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके के ऊपर पहुंचे, मौके पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको जब्त किया। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया था, पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया, उसको कोतवाली ले गए। फिलहाल मौके के ऊपर पुलिस ने दावा किया है जल्द से जल्द जो इसके अंदर दोषी होगा, जो ट्रैक्टर चालक है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग के ऊपर पुलिस ने यह आश्वासन दिया है।